गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा राहुल संक्रितायन की लिखी हुई कहानी। आइए आगे देखते हैं उनकी लिखी हुई कहानी लहसा की ओर। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है जैसे उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों की वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर से पूछने से पता चला कि लंगपुर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे अर्थात उपले के फूल डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा था आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोट में वह एक अच्छे जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तो खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा अर्थ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है मिला। अब हम तिंगड़े के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़े समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली चीरी अर्थात फाड़ी हुई फटा हुआ कपड़ा। पत्तियों के गंडे खत्म हो नहीं हो सकते थे क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा अर्थात मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधार ही लगा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गाँव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बाँट दो, मगर आस पास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुँच कर रुपये दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया अर्थात भार बाहर मतलब जब हम लोग किसी जाते हैं तो उनका यात्रा दे उसका भाड़ा देना। दूसरे हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन